खंडवा में बीते एक सप्ताह में कोरोना के 4 मरीज मिले हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आहट ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे को अलर्ट कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। खंडवा में बीते 7 दिन में कोरोना के 4 मरीज मिले हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन अब अलर्ट मोड में आ गया है। जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अस्पतालों में बेड आईसीयू की व्यवस्थाओं के सुधार में जुट गया है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जिले में 432 बेड तैयार हो गए हैं, जिनमें से 90 बेड आईसीयू की सुविधा से लैस हैं। वहीं 100 बेड का ट्रिपल सी वार्ड बनाया गया है एवं इसके अलावा ब्लॉक स्तर पर 50 बेड के अस्पताल कोविड के लिए बनाए गए हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहित सभी संसाधन जहां उपलब्ध है। अभी तक हमारे पास जो भी 4 पेशेंट आए हैं, वो उनमें या तो सिम्टम बिल्कुल भी नहीं है या फिर माइल्ड सिम्टोमेटिक रहे हैं। माइल्ड कफ वाले पेशेंट ही आए हैं अभी तक, और कोई भी सीवियर पेशेंट इन चारों में नहीं है। इसके बावजूद अभी हमारे द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की गई है। गवर्नमेंट पे हम लोगों ने अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 432 बेड इसके लिए तैयार कर लिए हैं, जिसमें से जो हमारे 90 बेड हैं वो आईसीयू बेड्स हैं, जिनमें वेंटिलेटर, सीपैप, बायोपैप, इनकी पर्याप्त व्यवस्था हमारे पास है, मॉनिटर सब चीज़ें हैं। और साथ ही साथ 100 बेड का एक हमारा ट्रिपल सी खंडवा में रेडी है, और 50-50 बेड्स के हमारे ट्रिपल सी ब्लॉक लेवल के लिए हमारे द्वारा बनाए हुए हैं। और हम लोगों ने 3 यहाँ पे पीएसए प्लांट हमारे पास हो गए हैं, जो कि 400 एलपीएम, 1200 एलपीएम और 1000 एलपीएम, इस प्रकार से कुल 2600 एलपीएम क्षमता के 3 हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट खंडवा में हो गए हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की बात करेंगे तो हम लोग करीब 450 हमारे पास 10 लीटर वाले और 200 के करीब हमारे पास 5 लीटर वाले ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उपलब्ध हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे तो कोविड से लड़ाई में जितने भी इक्विपमेंट्स, मेडिसिन और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होना चाहिए, वो उनकी तैयारी हमारे द्वारा पूर्ण रूप से कर ली है। तो हम लोगों को अब सावधान होने का समय आ गया है और सावधानी हमें बना के रखना है। गौरतलब है कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जिला प्रशासन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तरह से अब तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News TV, खंडवा।